दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों फिर से आज मैं आया हूँ नागपुर शहर के दीक्षा भूमि में और आज हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी है जो कि नागपुर शहर को यानी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करती है। नागपुर शहर में कोई भी इवेंट्स हो, जैसे नवरात्रि इवेंट्स हो, गणपति उत्सव हो या 14 अप्रैल का उत्सव, कितने भी इवेंट्स क्यों नहीं हो, सारे के सारे वो कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ है प्रियांशु भाऊ। तो सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय आप सभी को भी, आपको भी। सो दोस्तों आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नागपुर शहर को जितने भी इवेंट्स हैं जो कैप्चर करते हैं, आप तक वीडियो पहुँचाते हैं, उसी तरीके से बाबा साहेब को भी फॉलो करते हैं। तो आज इनसे मेरी मुलाकात हुई दीक्षा भूमि में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मिलके। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप जो नागपुर शहर को एक्सप्लोर करते हो, इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स कैप्चर करते हो, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि नागपुर में इतने सारे फेस्टिवल होते हैं, तो पूरे फेस्टिवल मेरे को जो है कवर करना अच्छा लगता है क्योंकि सभी लोगों के साथ जो शेयर करना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग जो है ऐसे मतलब फेस्टिवल जो होते हैं सभी लोग जो है पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ पर, तो इसलिए जो है मैं कवर कर देता हूँ आप सभी के लिए, जो है आप घर बैठे बैठे जो उस चीज़ को जो है देख सके और इन्जॉय कर सके। बराबर। आपसे एक चीज़ और पूछना था कि आप यानी जो आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ, आपने क्या सोच के यानी सोचे कि चलो यार नागपुर को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, नागपुर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, तो क्या सोच के? ऐसा है कि मतलब कि सबसे पहले जो है टिकटॉक चालू हुआ था, हाँ है ना? बराबर। तो टिकटॉक से जो है भाई मेरा इंटरेस्ट जो है आया हुआ है, हाँ तो मैं टिकटॉक वगैरह बनाता था, लेकिन टिकटॉक में इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जो है टिकटॉक में जो है मैं कुछ कर नहीं पाया, ठीक है ना, कुछ मैं फेल हो गया। फिर उसके बाद जो है टिकटॉक बंद हो गया, फिर उसके बाद मैं आया यूट्यूब पे, यूट्यूब पे फिर मैं टेक्निकल वाले वीडियो बनाता था, ठीक है। तो टेक्निकल वाले वीडियो भी मैंने बहुत बनाया, मतलब कि 6 महीने 7 महीने जो है ट्राई किया, उस पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, वो भी कैंसिल फ्लॉप हो गया। फिर आया मतलब कि एक वीडियो देखा था मैंने, मतलब कि मतलब एक ब्लॉगर था कोई, तो भी तो उसका वीडियो देखा था कि वो नागपुर को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है मतलब कुछ दम नहीं था, है ना जी। हाँ, क्वालिटी भी मैटर करता है, क्वालिटी भी मैटर करती है, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो यार मैं मतलब नागपुर में ऐसे ब्लॉगर नहीं थे ज़्यादा, नहीं 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 एक दो ही थे, तो फिर मैंने सोचा चलो अपने पास तो अच्छे क्वालिटी वाला कैमरा था, मोबाइल था, तो फिर मैंने सोचा चलो यार नागपुर को एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर मैंने तब से जो है स्टार्ट करना चालू कर दिया, तो तब से जो है मेरे चैनल मतलब अपडेट मतलब कि आते रहते चढ़ने गया, चैनल मतलब चलते गया मेरा वाला। दोस्तों आप सभी को बता दूँ कि यूट्यूब पे जितना अपडेट है उतना ही इंस्टाग्राम में भी अपडेट है, इनका यानी चैनल का नाम है इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम में आपने इनके ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें कि इनकी शक्ल नहीं दिखेंगे आपको, ये सिर्फ नागपुर को एक्सप्लोर करके उनकी वीडियोस डालते रहते हैं। अभी नागपुर शहर का गणेश फेस्टिवल आया था और उस फेस्टिवल के आपने सबसे ज़्यादा अगर वीडियो देखे होंगे तो आपकी, सो बहुत ही खुशी महसूस होती है कि हमारे नागपुर को यानी रिप्रेजेंट जो करते हैं ऐसे मिलने को यानी बहुत अच्छा फील होता है। तो अभी आप आए दीक्षा भूमि में, तो दीक्षा भूमि आप कब से आ रहे? ये तो मैं बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आके क्या फील होता है? अरे बहुत अच्छा फील होता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और इतनी अच्छी शांति मिलती है यहाँ पर, जो कि आपको कहीं पर जो है मिलेगी नहीं, आप यहीं पर आइए अगर आपको शांति चाहिए तो। तो मुझे तो इतना भी पता है कि आप बाबा साहब के कट्टर फॉलोअर्स हो, तो दर्शकों को क्या कहना चाहते हो, क्या उद्देश्य देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, दिल से करिए, तो और बाबा साहब को फॉलो कीजिए, बाबा साहब की ने जो आपको 22 प्रतिज्ञा दिए उनको फॉलो कीजिए, उनके मार्ग पर चलिए, उसके उन्हीं के जो है रास्ते पर चलिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। और आजकल के जो बच्चे हैं जो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा यानी मेहनत करते हैं, उनको यानी ग्रोथ नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए थोड़ा कुछ टिप्स दे सकते हो? कैसा है अभी इंस्टाग्राम आ चुका है ना, इंस्टाग्राम पे इतने सारे मतलब वीडियोस चलते हैं। आप कब से मेहनत कर रहे हैं इस टॉपिक पे? मैं अभी 5-6 महीने हो रहे हैं, उसमें भी मतलब नागपुर के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, तो अभी कैसा है उसमें भी थोड़ा सा वीडियो वगैरह चल रहे हैं, 10,000 व्यू वगैरह आ जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि मेहनत चालू है उस पर। तो आने वाले जनरेशन को आप क्या टिप्स देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक इन पर काम करते हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिल पाती है, तो उनको थोड़ी टिप्स आपके तरफ से? सो दोस्तों कैसा है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब ये दोनों ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको बहुत अच्छी जो है अर्निंग मिलेंगी, है ना, तो जितना ज़्यादा हो सके आप जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब कि 2-4 वीडियो डाल दिए और छोड़ दिए, है ना, आपको कंटिन्यू वीडियोस डालना है, मेहनत करनी है। कैसा कोई कैसा रहता है कि 1-2 वीडियो आ गया उसमें 1-2 लाइक आ गए तो कैसा वो मतलब वीडियो डालना ही छोड़ देता है भाई, हार मान जाते। तो अपने वैसे कैसे हार नहीं मारना है, जो भी लेटेस्ट मतलब कि लेटेस्ट अपन बोलेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक या कोई भी इवेंट्स आ रहा है ट्रेंडिंग, तो उससे रिलेटेड जो है वीडियो मतलब जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश कीजिए।
तो चलिए भैया आपसे मिल के बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ। आपके वीडियोस जो है देखा मैंने, आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हो। तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि आपसे मिलूं, आपसे कांटेक्ट करूं, पर कांटेक्ट हो नहीं पाया, पर फाइनली आप मुझे दीक्षा भूमि पे मिल ही गए, तो बहुत अच्छा मिल गया, अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं, अरे मिलते रहेंगे अपन। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों इससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि नागपुर में ऐसे बहुत सारे यानी यूट्यूबर्स है, इंस्टाग्राम्स है, जो कि नागपुर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। तो भैया मुझे बहुत दिनों बाद, यानी मैं इनको फॉलो करता हूँ, पर आज फाइनली मिल गए। तो आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं हमारे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।